जल, जो चार आवश्यक तत्वों में से एक है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे वो तालाब हो, जलाशय हो, नदियां हो या खारे पानी के स्रोत जैसे समुद्र या महासागर। और 140 लाख भारतीयों के लिए जो विभिन्न मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े हैं, पानी स्वयं जीवन ही है। मछुआरों के समुदाय ने दुनिया में भारत को दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनाया है और आज भारत मत्स्य उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। आज मछली और मछली उत्पाद भारत के कृषि क्षेत्र में निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा बनकर उभरे हैं और इस जबरदस्त प्रगति और बदलाव के पीछे मिशन नीली क्रांति का हाथ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड और इसकी गतिविधियां, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि का विकास, समुद्री मत्स्य बुनियादी ढांचा और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास, मत्स्य पालन क्षेत्र के डेटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को मजबूत बनाना, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था, जांच नियंत्रण एवं निगरानी MCS और अन्य आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप, मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर का अशोक चक्र है उस रिवॉल्यूशन को भी देखने की आवश्यकता है। और वो ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारी सामुद्रिक संपत्ति फिशरीज, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट, बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट बना हुआ है, हमारे फिशरमैन की जिंदगी बदले। सरकार प्रतिबद्ध है कि ये दूरदर्शिता आम जन की वास्तविकता बन सके और मत्स्य समुदायों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके। भारत मत्स्यकी के क्षेत्र में एक तेजी के साथ उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है, जो मछुआरों एवं मत्स्य किसानों को आय और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही देश की एक बड़ी आबादी को पोषक आहार भी उपलब्ध कराने की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। साथ ही जो विश्व का मत्स्य उत्पादन है उसका जो खाद्य भंडार है उसमें भी अपना देश 6% से ज्यादा का योगदान कर रहा है। सरकार कृषि के सभी क्षेत्रों को समान रूप से बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है ताकि सभी समुदायों और क्षेत्रों को लाभान्वित किया जा सके। हर राज्य अपने अपने क्षेत्र में जैसी मछली हो, समुद्र की अलग है, तालाब की अलग है, ठंडे जलवायु की अलग है और गर्म प्रदेश की अलग है, उनको उस ढंग से उनकी हिस्सेदारी देते हुए उसी में रोजगार का एक सुलभ साधन उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में किसान की आय को दुगनी करते हुए उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। नीली क्रांति की दूर दृष्टि को नई दिशा प्रदान की जा रही है और 2020 तक ये अनुमान है कि मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय दोगुनी हो जाएगी। You see, the biggest driver of fisheries development is honestly the Prime Minister himself. And he has given this task to the nation and therefore to the department of Blue Revolution. Now, Blue Revolution is a 3,000 crore rupees scheme, which is an integrated scheme for development of all the sectors of fishery. Besides this, emphasis is being laid on fish harbors, fish farmers' welfare, and also making sure that they do such activities so that the task and goal of achieving double the income by 2022 is done by the department. जैसे जैसे भारत में नीली क्रांति का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे मछली पालन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, पर्याप्त विदेशी मुद्रा विनिमय और पोषण स्रोत में अंशदान कर रहा है। नीली क्रांति के लाभ के चार आयाम हैं: विकास, लाभप्रदता, स्थिरता और पर्यावरण मित्रता। नीली क्रांति NFDB, राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश, सहकारी समितियां, केंद्रीय संस्थान, स्वयं सहायता समूहों, लाभार्थियों और उद्यमियों द्वारा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू की गई है। इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निगरानी
एनएफडीबी के माध्यम से किया जाता है, जो कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नीली क्रांति परियोजनाओं को डीएडीएफ वित्तीय सहायता प्रदान करती है और एनएफडीबी इनका क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन करती है। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य बीज, खाद्य और मछली पालन के तरीकों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है। कार्यक्रम चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित है, तालाब, वेटलैंड, खारा पानी और जलाशय। हितधारकों में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के हेचरी मालिक, मछली बीज उत्पादक, किसान, मछुआरे, प्रसंस्करण कार्यकर्ता और खुदरा विक्रेता शामिल हैं। एनएफडीबी देश भर में सफल और सर्वोत्तम मत्स्य पालन प्रथाओं का भी प्रसार करता है। छत्तीसगढ़ में अंतरदेशीय और ताजे पानी में मत्स्य पालन उत्साहजनक परिणाम दे रहे हैं। यहाँ क्लस्टर आधारित खेती विकसित हो रही है, जिसमें आम मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष में एक बार जलाशय में मछली के बीज छोड़े जाते हैं। जहां वर्ष 2003-2004 में 33 हेचरी और 27 मछली तालाब थे, जिनसे 36.78 करोड़ मछली बीज पैदा हुए, वहीं वर्ष 2016-2017 में 69 हेचरी और 60 तालाबों की मदद से ये उत्पादन 197 करोड़ मत्स्य बीज तक पहुंच गया और आज ये राज्य मत्स्य उत्पादन में छठे स्थान पर है। राज्य की उत्पादकता तेजी से बढ़ रही है। झीलों में 1.12 लाख मीट्रिक टन की उपज है और वर्ष 2016-2017 तक मछली उपज 3.7 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ गई है और आज छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में 9वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ जो भी मछली विभाग का काम दिख रहा है, जो निजी क्षेत्र में दिख रहा है, इसका प्रमुख हमारा श्रेय नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को जाता है, जिसके सहयोग से नवीन हेचरी, नवीन तालाब का निर्माण, साथ साथ का हमारे जो हितग्राहियों का प्रशिक्षण दिया गया है, इससे जो उत्साहवर्धक उत्साह के साथ इन्होंने काम किया और आज छत्तीसगढ़ जो है 6वें नंबर पर है पूरे देश में। आइए अब हम पूर्वी भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां मछली पकड़ने के जाल मछलियों से लबालब भरे हुए हैं। यहां झारखंड की जनजातियों ने पिंजरे में मछली पालन को अपने जीवन यापन का हिस्सा बनाया है। एनएफडीबी के वित्तीय समर्थन के माध्यम से मत्स्य पालन विभाग झारखंड सरकार ने चांडील जलाशयों में पिंजरों में मत्स्य पालन में शानदार सफलता हासिल की है, जहाँ बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को, जिन्होंने बांध के निर्माण के कारण अपने घर और भूमि खो दी थी, आजीविका का एक नया साधन मिला है। चांडील डैम में जो भी मछली का पालन का एक दिख रहे हैं बढ़िया है। अभी लगभग हमारे समिति के पास 600 केज है और अभी वर्तमान में केज पर 1000 टन मछली सेल पर अभी जो है, और छोटा बच्चा भी अभी छोड़ा गया है 15 लाख के आसपास। इससे समिति के सैकड़ों लाभुक अपना केज कल्चर से मछली पालन कर रहे हैं। पिंजरे में मछली पालन की इस गतिविधि ने न केवल स्थानीय भूमिहीन लोगों के लिए पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि लक्षित समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बदल दी है। सबसे पहले हम लोगों को रिजर्वायर फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जलाशयों में मछली का बीज संचयन करने का परियोजना प्राप्त हुआ, जिससे हम लोगों ने चांडील सहित 20 जलाशयों में मछली का बीज हम लोग छोड़े। उसके कारण ये स्थिति हो गई कि जलाशयों के आसपास के जो विस्थापित लोग थे, जो बेरोजगार थे और कई तरह के असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हो गए थे, वो सभी मछली पर निर्भर हो गए और आज केवल चांडील जलाशय में जहां पहले 3 लोग मछली मारते थे, आज 1100 लोग मछली मार रहे हैं। इसी बीच सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आलंकारिक मछलियां मछली पालन के व्यवसाय में एक नया रंग जोड़ रही हैं। अभी तक आलंकारिक मछली शब्द का अर्थ मछुआरों के लिए कुछ मायने नहीं रखता था। आज इन मछलियों का नृत्य उनके लिए व्यवसाय की नई उमंग का स्रोत है।
आलंकारिक मछली पालन दुनिया में दूसरा सबसे पसंदीदा शौक है और हावड़ा का मछली बाजार इसकी लोकप्रियता का गवाह है। शहर के मछली बाजारों में कोई, गोरामी, गोल्डफिश और फाइटर फिश देखी जा सकती हैं। एनएफडीबी की वित्तीय सहायता से आलंकारिक मछली प्रजनन और मत्स्य कृषि ने किसानों को समृद्ध बनाने में और सजावटी मत्स्य पालन को आकर्षक व्यवसाय बनाने में मदद की है। पश्चिम बंगाल भारत में पहले से ही दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है और साथ ही भारत में खारे पानी की कृषि का सबसे बड़ा भाग है, जो राज्य में झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने की एक बड़ी क्षमता को दर्शाता है। अब हम दक्षिण में आंध्र प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जो वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन वाला प्रदेश है। यहाँ हमारी मत्स्य गाथा एक नवीन परिवर्तन को दर्शाती है। यहाँ गरीब समुदायों को स्वयं सहायता समूहों में समूहीकृत किया गया है और आज वे दृढ़ आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इन हिस्सों में शुष्क मछली प्रक्रिया काफी विकसित हुई है और इस प्रक्रिया में शामिल महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और आज आत्मनिर्भर हैं। इस आत्मनिर्भरता के समूह का नाम है गोदावरी महासमाख्या, जो कि तटीय गांवों के मछुआरों का संगठन है। नीली क्रांति ने कई किसानों को उद्यमशीलता में साहसिक कदम उठाने के लिए समर्थन दिया है। आइए देखें कैसे नई तकनीक जीवन बदल रही है। Happy that you know the realization of NFDB's goal in financing this project has been fully realized, both in terms of developing fisheries graduates like us into entrepreneurs and also successfully demonstrating a technologically advanced fish culture system and also meeting the economic targets that this project set about. इस हैचरी में वर्तमान में लगभग 1.9 लाख बीजों की बिक्री का औसत है और स्वारा तिलपिया बीज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये खेती का एक ऐसा मॉडल है जो कॉम्पैक्ट एकीकृत मॉड्यूलर हैचरी द्वारा इकाई क्षेत्र से उच्च उत्पादन को लक्षित करता है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग जल कृषि पर राष्ट्रीय नीतियां तैयार करता है, चाहे वो ताजा और खारे पानी के मछुआरों या मत्स्य पालन के कल्याण से संबंधित हों या फिर अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन से संबंधित अन्य मामले हों। प्रारंभ से ही नीली क्रांति की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। इस विकास, निवेश, विज्ञान और कड़ी मेहनत ने मछली पकड़ने के समुदाय और हितधारकों को किस तरह प्रभावित किया है? अभी मैं इस साल जो मछली का धंधा किया हूँ, इसके आपका मानिए 1,30,40 लाख का धंधा किया हूँ, इसमें 70-75 लाख का फायदा हुआ है इस साल। मेरा ये जो नया तरफ 5 एकड़ जमीन में तालाब बनाया गया है और ये हैचरी जो है सरकारी अनुदान से, नील क्रांति के पैसे से अनुदान से मेरे को सरकारी हेल्प मिला उसमें। मत्स्य पालन व्यापार में आए उछाल के स्वरूप जश्न मनाना प्रासंगिक है, इसीलिए हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन के महत्व और विशेषताओं को उजागर किया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े पुरुषों और महिलाओं को एकजुट करना है। विश्व मत्स्य पालन दिवस हमें स्मरण कराता है कि मत्स्य कृषि में आ रहे बदलाव की तरफ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम टिकाऊ स्टॉक और स्वस्थ पारितंत्र सुनिश्चित कर सकें। स्पष्ट रूप से मिशन नीली क्रांति देश के मत्स्य समुदाय, मछली किसानों में उत्साहवर्धक बदलाव ला रहा है। लोग और उद्योग समृद्ध हो रहे हैं और सामाजिक आर्थिक प्रभाव राज्य से राज्य में प्रवाहित हो रहा है और भारत नीली क्रांति के साथ समृद्धि की लहर पर सवारी करने के लिए तैयार है।